नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल आवाज इंडिया न्यूज। रुक करते हैं बड़ी खबरों की। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों को पढ़ाने के लिए तमाम तरह के स्लोगन प्रलोभन देकर बेटियों की पढ़ाई की बात कहती हुई नजर आ रही है, तो वहीं मंझोले किस्म के लोग स्कूल जाते समय छात्र छात्राओं से अश्लील हरकतों के साथ साथ छेड़छाड़ करने से नहीं चुकते। ऐसा मामला जनपद मैनपुरी के थाना करहल में देखने को मिला, जहां अपराधी किस्म का एक व्यक्ति गांव के ही एक छात्रा के साथ 15 दिन से अश्लील हरकतें कर रहा था। बदनामी के डर से छात्रा ने उसकी शिकायत नहीं की, लेकिन हद तो तब हो गई जब छात्रा अकेली स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में प्रतिदिन की तरह हरकतें करने वाला मनचले ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, जिसे डरी सहमी छात्रा आनंद फानन में स्कूल जाने की वजह अपने घर जा पहुंची, जहां उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। छेड़छाड़ की शिकायत करने पर दंगों के आरोपी दबंग ने माँ के साथ ही मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत थाना करहल में की गई। थाना पुलिस ने दोनों पक्षों से 151 करने के बाद अपनी कार्रवाई को विराम दे दिया, जिससे अपराधी किस्म के हौसले और बुलंद हो गए। जमानत कराने के बाद आरोपी के परिजनों छात्रा के माता पिता के साथ मारपीट कर दी, जिससे दोनों पक्षों में लाठियां कर की गई। इतना ही नहीं, आरोपी का अवैध असलह द्वारा फायरिंग करने का वीडियो भी वायरल हो गया। अब छात्रा ने दबंगों की दहशत से स्कूल जाना बंद कर दिया है। न्याय पाने के लिए छात्रा ने अपने परिजनों के साथ पुलिस अध्यक्ष कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए न्याय की मांग की है। बेटा, आज पुलिस पे शिकायत करने आई है, यहाँ पे क्या मामला है, क्या घटना हो रही है आपके साथ? तक्षिप नाम का लड़का, वो मुझे परेशान करता है, स्कूल जाने से मना करता है। स्कूल जाते छेड़छाड़ करता है? छेड़छाड़ करता है, और उसके साथ और भी लड़के आते हैं। ये कितने दिनों से हो रहा है? 15 दिन हो गए। कोई शिकायत वगैरह की? शिकायत किया कि थाने में, तो फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मैं कप्तान साहब से बात करने आई हूँ। कोई फायरिंग वगैरह भी हुई थी? फायरिंग की थी उसने। किसने किया था फायरिंग? अभिषेक ने। क्यों किया था इसने फायरिंग? जब मैंने घर पे बोला जाके, भाई उनके पास गए तो उन्होंने फायर की है, मम्मी को भी मारा है। थाने में शिकायत करी? थाने में शिकायत की, 151 पे पापा को ही अंदर कर दिया। तो क्या आपने स्कूल जाना बंद कर दिया? स्कूल जाना मैंने उसकी वजह से बंद कर दिया। क्यों किया बंद? वो मुझे छेड़ता था, इसलिए मैंने बंद कर दिया। प्रदीप जी, आज अपने पूरे घर वालों के साथ आज पुलिस कप्तान से मिलने आए, क्या मामला है? सर, ये है कि हमारी बच्ची की छेड़खानी होती थी, उस बारे में हमारा बच्चा शिकायत करने के लिए उसी अभिषेक आशीष कुमार के पास गया, तो उन्होंने शिकायत न सुन के मेरे बच्चे को मारा। चीख पार सुन के हमारी जब पत्नी और मेरी बेटी गई तो उनको भी मारा है, और जब मैं मौके पर पहुँचा तो मेरे ऊपर उसने सीधे फायर किए हैं। उसका लड़का अभिषेक कुमार है, आशीष कुमार बिट्टा, उसके साथ और दो साथी थे। कौन लोग ये? उनका सर, उनकी सर इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन लोगों द्वारा पता लगा है वो कंचनपुर के रहने वाले। थाने में शिकायत करने गए, फिर क्या हुआ? जब मैं थाने में शिकायत करने गए तो सर उल्टा मुझे ही अंदर डाल दिया गया है। उस पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। कैसे लोग हैं वो? वो सर दबंग लोग हैं, उनकी हिस्ट्री देख ली जाए साहब, तो वो किस टाइप के लोग हैं। आपकी बच्ची कौन सी क्लास की छात्रा? हमारी 11th में पढ़ती है सर। आपने स्कूल भेजना बंद कर दिया? सर, मैं क्या करें सर, स्कूल पे भेज के क्या करें। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको शिकायत किए हुए? उनसे शिकायत करने हम 31 तारीख हो गए, उससे पहले जो घटना होती वो अपने दबके रहते थे साहब, डर की वजह से शिकायत नहीं करते, लेकिन हिम्मत करके मेरा बेटा गया तो उन्होंने उल्टा उसको मारा है। आज इसलिए हम यहाँ आज सर आए हैं, शायद यहाँ मेरे को कुछ न्याय मिल जाए। थाना करहल का मामला है, अभी ये आवेदक प्रार्थना पत्र लेकर के प्रस्तुत हुए थे, प्रार्थना पत्र पर मैंने आदेश किया है, इसकी जांच करके आवश्यक विधिक कार्य इसमें करेंगे, और अभी जानकारी करने पर मामला ये है कि इनका जो है वाद विवाद और झगड़ा वहाँ पर हुआ था, और उसमें जो भी आरोप हैं इसकी गहनता से जाँच करके अब विधिक कार्यवाही इसमें होगी। इसी तरह की खबरों में हमेशा अपडेट रहने के लिए आवाज़ इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, व अगर आप आवाज़ इंडिया न्यूज़ के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आवाज़ इंडिया न्यूज़ के फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, व अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।